सीलमपुर के 66 फुटा रोड पर मचा हड़कंप, जींस कारोबारी को बदमाशों ने बनाया निशाना, लूटे कार में रखे 25 लाख रुपए। दो नाबालिगों के साथ कुक्रम का मामला आया सामने, तीन नाबालिगों ने वारदात को दिया अंजाम, तीनों आरोपितों को भेजा गया बाल सुधार गृह। टैक्सी और ओला उबर गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं पैनिक बटन, इस सिस्टम को लगवाने में होता है काफी खर्चा, ड्राइवर्स नहीं है इससे काफी खुश। बिल माफ की स्कीम को लेकर जनता के मन में शंका, लोग हो रहे हैं काफी परेशान, दफ्तरों के काटने पड़ते हैं चक्कर। पूर्वी दिल्ली में 19 करोड़ के लगभग हाउस टैक्स किया गया जमा, 10% रिबेट 30 जून तक लागू, लोग रिबेट का ले रहे फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके के 66 फुटा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जींस कारोबारी को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। कारोबारी महेंद्र सैनी के अनुसार, महेंद्र सैनी अपने किया सेल्टोस कार से गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी अपने घर फरीदाबाद लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार सीलमपुर पहुंची तो रॉन्ग साइड से आ रहे एक स्कूटी सवार महिला और पुरुष ने उनके ड्राइवर को इशारा किया कि आपकी कार पर कुछ गिरा हुआ है। इसके बाद कार ड्राइवर और कारोबारी महेंद्र सैनी नीचे उतरकर अपनी कार के बोनट की तरफ आगे ये देखने के लिए गए कि कार में क्या लगा है, और जैसे ही वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि कार में रखे 25 लाख रुपए को लेकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय एन टिर्की के मुताबिक, महेंद्र सैनी गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में दिन की वॉशिंग का प्लांट चलाते हैं और फतेहपुर बिल्लौच फरीदाबाद में रहते हैं। पीड़ित महेंद्र सैनी के अनुसार, महेंद्र सैनी ने ट्रॉनिका सिटी में अपनी जमीन को बेचा था जिसकी पेमेंट लेकर वो वापस अपने घर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और आसपास के CCTV कैमरा को खंगाल रहे हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया। अभी यहीं 50 मीटर पहले एक जेंट था, स्कूटी चला रहा था, उसके पीछे एक लेडीज बैठी हुई थी, व्हाइट कलर के कपड़े थे उसके, भारी सी लेडीज थी। उसने हमें इशारा दिया कि हमारी गाड़ी में जैसे कुछ हो जाता है, कई बार इशारा दिया कि अपनी गाड़ी देख लो इस तरीका से, तो वो कह करके निकल गई। मैंने ड्राइवर से कहा यार पता नहीं ऐसा क्या है, कई बार इशारा दिया अपनी गाड़ी साइड में रोक ले एक बार देख लेते। तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा, उसने उतर करके बाहर देखा तो वो कहने लग गया गाड़ी में से तेल निकल रहा है। तो उसने डैशबोर्ड का वो खोल दिया, आगे से डैशबोर्ड खोलने के लिए उसको फेंस दिया। उसने डैशबोर्ड उठाया तो मैं भी आगे वाली सीट से, मैं भी फिर आगे जाके हमने बोनट खोल के हम उसे देखने लगे। अब मुश्किल से आधा मिनट ही हुआ होगा, अब हमारे पीछे से वो कैसे चल रहे क्या चल रहे इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। तभी हमारी गाड़ी के बराबर से दो जने बाइक पे, दो बंदे थे, वो बड़ी तेज़ी से भागे। तो मैं जब तक उन्हें गाड़ी में झांका तो बैग नहीं था। कितने रुपये थे बैग में? 25 लाख रुपये थे, मुझे कल मेरे डीलर ने दिए थे, मैंने अपना एक प्रॉपर्टी सेल करी है टोनिका सिटी में। हम लोनी से अपनी फैक्ट्री से आ रहे थे और गांव जा रहे थे फतेहपुर बिल्लौच। कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद। अच्छा, हरियाणा में। हमको रोका, देखो किसी ने नहीं था, हम आ रहे थे तो हम फर्स्ट लाइन में गाड़ी चल रही थी हमारी, एक लेडीज़ और एक जेंट्स स्कूटी पे थे, वो भी साइड में आ रहे थे हमारे। उन्होंने बोला आपकी आपकी गाड़ी, इशारा करा कि आपकी गाड़ी में कुछ हो रहा है, तो भैया साइड में बैठे थे, भैया बोले कि भैया साइड में देखो गाड़ी लगा के क्या है गाड़ी में। तो मैं उतरा तो काला तेल पड़ा हुआ था जालियों पर आगे। मैंने भैया को बोला, मैंने भैया काला तेल पड़ा है, मैंने भैया से बोला काला तेल पड़ा। मैं बोनट खोल के देखने लगा, इतने में भैया भी उतर आए, भाई इतनी देर में ये हादसा हो गया। हाँ, मैं अपनी टोनी की सिटी में, मेरी फैक्ट्री है जिसको मैंने काफ़ी लगभग 2 महीना पहले उसका सौदा कर चुका था, उसकी मुझे कल पार्ट पेमेंट में 25 लाख रुपये पेमेंट मिली थी जो मैं लेकर के आ रहा था। एक महिला बैठी हुई थी स्कूटी पे, एक जेंट्स चला रहा था, उन्होंने इशारा इस तरीका से किया जैसे हमारी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है या कुछ हो रहा है परेशानी, तो हम समझ नहीं पाए, हमने थोड़ी सी आगे जाके गाड़ी साइड में लगा ली और हम गाड़ी से, पहले ड्राइवर उतरा
तब ड्राइवर ने बताया कि भैया गाड़ी में से तेल निकल रहा है, तो हमें ये लगा कि भाई नई गाड़ी में से तेल इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है। तो हमने गाड़ी का बोनट खोल लिया ड्राइवर ने, फिर मैं भी गाड़ी से उतर गया, हम गाड़ी में ताक झांक करने लग गए। पीछे की सीट पर मेरा बैग रखा हुआ था पैसों का, तो पीछे से जो बंदे आए उन्होंने उस बैग को लेकर के, दो बंदे थे बाइक पर, वो भाग गए। सीलमपुर का इंसिडेंट है ये, शाम के 5 बजे का। ये आप सैनी साहब अपने ड्राइवर के साथ आ रहे थे और इनका पार्ट पेमेंट कुछ 25 लाख रुपए का, इनका ज़मीन का सौदा हुआ था, तो वो लेके लौट रहे थे ट्रॉनिका सिटी से, घर जा रहे थे बल्लभगढ़ के रहने वाले। और इनको एक लड़का लड़की रॉन्ग साइड से आए, मतलब लड़की भी साथ में थी तो थोड़ा सा स्ट्रेंज हमें लग रहा है। और इनको बोला कि जी आपकी गाड़ी में तेल लीक हो रहा है सामने की तरफ, तो रोका ड्राइवर ने। ड्राइवर देखने आया, सच में कुछ तेल वेल सामने लगा हुआ था बम्पर पे, उसने सामने बोनट खोला और मालिक भी उतर के आ गया। एंड बिफोर दे रियलाइज्ड, इनके जो लेफ्ट साइड का दरवाज़ा खोल के पीछे एक बैग रखा था जो लेके वो चले गए मोटरसाइकिल पे। तो अभी इन्होंने बाद में बताया कि बैग में 25 लाख रुपए थे और वो लेके चले गए। तो अभी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं, केसेस में दर्ज कर रहे हैं और सारा CCTV वगैरह हम स्कैन करेंगे। आई एम वेरी श्योर टीम बहुत जल्दी इनको पकड़ लेगी। न्यू अशोकनगर इलाके में दो नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। 3 नाबालिगों ने मिलकर पार्क के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपितों ने अपने मोबाइल में वारदात का वीडियो भी बनाया। 12 और 16 साल के पीड़ितों की शिकायत पर सोमवार को न्यू अशोक पुलिस ने कुकर्म और पॉक्सो समेत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों पीड़ित परिवार न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि 10 जून की रात 12 साल का नाबालिग अपने 10 साल के दोस्त के साथ घर के पास कुत्तों को खाना खिलाने के लिए गया था। उसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले 3 नाबालिग वहां पहुंचे और उन्हें डरा धमका कर एक पार्क में उन्हें सुनसान जगह ले गए, जहां उन्होंने दोनों बच्चों के साथ कुकर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया और किसी को कुछ भी बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। डरे सहमे हुए दोनों बच्चे अपने घर पहुंचे। घर वालों ने शक होने पर जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तबीयत बिगड़ने पर पीड़ितों ने घर वालों को वारदात के बारे में बताया। पुलिस दोनों बच्चों की काउंसलिंग कर रही है, साथ ही तीनों आरोपितों को पकड़कर किशोर कन्या बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। टैक्सी और ओला उबर गाड़ियों में GPS और सिक्योरिटी सिस्टम होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कई गाड़ियों में पैनिक बटन भी लगाए जाने लगे हैं, जिससे कोई भी सिचुएशन बिगड़ने पर तुरंत पुलिस को या फिर संबंधित विभाग को बुलाया जा सकता है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने टैक्सी ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले की गाड़ियों में ऐसा कोई पैनिक बटन नहीं होता था, लेकिन अभी जो कमर्शियल गाड़ियां फाइनेंस करवाई जाती हैं उनमें पहले से ही ये सिस्टम दिया जा रहा है। हालांकि इस बटन को लगवाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है। ड्राइवरों का कहना है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल फोन होते हैं और सब अपने फोन से ही पुलिस, एम्बुलेंस या फिर किसी भी सुविधा के लिए कॉल कर सकते हैं। ऐसे में इस पैनिक बटन के लिए खर्चा ड्राइवरों पर ही आ जाता है। इसका फायदे तो है ही, देखो ये गवर्नमेंट ने लगवाया हुआ है जो, तो ये तो सेफ्टी पर्पस के लिए है, तो अच्छा ही है, फायदा है इसका। वैसे तो लोग फायदा कि कभी कोई दुर्घटना वगैरह कोई करता है कोई, तो उसके लिए है ये। हाँ, बंदा फंस जाता है कहीं तो इसलिए है, कोई कस्टमर बुरा हो जहाँ किसका ही ड्राइवर कोई बदतमीजी करता है तो उसके लिए अच्छा ही है ये। नहीं, जो नहीं आ रही उन्हीं में है, पहले में तो नहीं है जी, लगवाना पड़ता है। अब जब कमर्शियल गाड़ी पासिंग होने जाती है तो तब ये जरूर वहाँ पे अथॉरिटी लगा के देती है। नहीं, इसका चार्ज लगाते हैं। देखो वो तो है, तो फालतू का खर्चा, ये तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से चाहिए जहाँ कुछ ऐसा अथॉरिटी को, उसमें वैसे तो अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। मैडम जी ठीक है, जो आ रहे आते हैं वो टैक्सी गाड़ी में आ रहा हुआ, प्राइवेट गाड़ी में कोई नहीं गा। उसमें काम तो ऐसे है जी, देखो जो कोई ड्राइवर है जो कोई बदतमीजी करेगा वो बटन दबा देंगे, या पुलिस आएगी वो पूछेगी क्या गलबात है, कोई प्रॉब्लम होगी पूछेगी, और उसमें कोई फायदा और तो कोई है नहीं गा, यही है। अच्छा। पर पहले अभी जो गाड़ियां नहीं आ रही हैं उसमें है, वो पुरानी पहले है गा, उसमें कोई नहीं गा जी। नहीं जी, ऑनलाइन तो कोई नहीं करवाता, जो गाड़ी कंपनी से आ रही है उसमें ही आ रहा वा, बाद में कोई नहीं करवाता। बुकिंग, हाँ नहीं, बुकिंग तो होती है जी, ऐसे भी है, टेलीफोन पर भी है। वो नई गाड़ियों में आ रहा है ज़्यादातर, ये ओला उबर वगैरह कंपनी, रैपिडो वगैरह ये लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टैक्सी स्टैंड से कभी नहीं मिलेगा किसी गाड़ी में। पैनिक बटन आप बता रहे थे अभी, वही चीज़ है,
नहीं है, किसी सवारी को हमारे साथ अगर कंफर्टेबल होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें बिगर बताया, वो खुद भी बटन दबा सकता है खुद, वैसे होता है सवारी के लिए ही, हमारे लिए नहीं होता है वैसे। नहीं, नई गाड़ियों में हो सकता है, लेकिन वैसे पुरानी गाड़ियों में कुछ नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं कि हम अपने स्टैंड पे लगवाएं या किसी पे भी ऐसी कोई स्टैंड। थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सब चीज़ जान पहचान है, सवारी आती है खुद बुक करती है उसको। ये तो ज़्यादातर कंपनी ओला रैपिडो वगैरह ये जितने भी वैसे काम मिलता है बंदों को ऑनलाइन, उसके अंदर वो लोग लगा के देते हैं GPRS वगैरह के साथ। नहीं नहीं, उसमें भी वो फिट करके देंगे गाड़ी, अगर वहाँ से लेते हैं तभी, तब बाहर से कोई नहीं लगते। हाँ, जब उनका सेट पूरा ओला ऊबर का सेट होता है उसी के साथ इंक्लूड होता है वो। दिल्ली सरकार द्वारा पानी के बिल माफ करने की स्कीम को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है। दरअसल लोगों का पानी का बिल कई गुना ज्यादा आता है, जिस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों में सुधार करने की घोषणा की है, जिस पर लोगों का कहना है कि पहले गड़बड़ी की ही क्यों जाती है, पहले से ही पानी के बिलों में गड़बड़ी की जाती है जिस वजह से पानी का बिल ज्यादा आता है, और फिर जनता उन्हें कम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती है और फिर उन्हें कुछ परसेंट कम कर दिया जाता है, लेकिन तब भी जेब पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए सरकार पहले ऐसे वादे ना करे जिन्हें निभाने में दिक्कत हो और परेशानी जनता को झेलनी पड़े। हमने एक्सेप्ट किया कि दोबारा से रोल कर रहे हैं, कि गलतियां करते क्यों हैं, लोगों को परेशानी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, किसी का बिल इतना आ जाता है वो पे ही नहीं कर पाएगा, किसी का नहीं आता है वो जाएगा नहीं, वो कहेगा ठीक है, ये करते क्यों हैं, ऑपोजिशन का करता क्या है, और जो सेटलमेंट कर रखा है इन्होंने, लोग सेटलमेंट करते हैं, बिल ही नहीं आते चार चार छः छः महीने, उसके बाद इंस्पेक्टर आ जाते हैं पैसे लेने, तो थोड़ा सा बिल भेजते हैं वो सेटलमेंट कर लेते हैं, वहाँ परेशानी है इनका स्टाफ ठीक मेंटेन नहीं कर पा रहा, इस पब्लिक को तो बहुत नुकसान होगा, जिसका बिल आएगा वो पे कहाँ से करेगा, वो भागेगा पीछे पीछे, और स्टाफ कुछ करेगा नहीं, हम तो कहेंगे हम कुछ कर नहीं सकते, और जिसका नहीं आ रहा बिल वो घर बैठेगा। पानी के बिलों में गड़बड़ी तो निश्चित रूप से है, इन्होंने क्या कर रखा है, जो जितने भी मीटर रीडर हैं वो मीटर रीडरों ने बहुत सी जगह तो जहाँ बिल ज़्यादा आता है पैसे बांधे हुए हैं, हर महीने वो हर महीने पैसे ले जाते हैं तो उनका बिल जीरो आता है, और जहाँ से पैसे नहीं मिलते उनका बिल आता है, और हर महीने रीडिंग ना होने के कारण कस्टमर परेशान है, क्योंकि रीडिंग आएगी तो जितने यूनिट तक इन्होंने कहा वो फ्री रहेगा, लेकिन हर महीने रीडिंग नहीं होती, कभी दो महीने में, कभी तीन महीने में, कभी चार महीने रीडिंग होती है, और फिर वो बिल इकट्ठा भेजते हैं, फिर वो कस्टमर को फ्री का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता और वो सुविधा नहीं मिलती, जिसके अनुसार वो बिल उनको पे करना पड़ता है, और ये कंज्यूमर पर वजन पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये इस तरीके से जो बातें करते हैं हेराफेरी करके, और जो इनकम टैक्स पे ही का पैसा है जो दिल्ली के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, और वो दिल्ली के डेवलपमेंट में वो पैसा नहीं लग पाता, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलता थी। जो बिल एक बार ही आ जाएगा वो बिल पेड करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी हज़ार का क्यों ना हो, उसको वो माफ़ नहीं करते, और अगर उसको पेड नहीं कर रहे तो बिल के ऊपर बिल, उसके ऊपर जो फिर 2% 3% उनका टैक्स है वो चढ़ता चला जाता है, और वो बिल जो है हज़ारों से लाखों में पहुँच जाता है। गवर्नमेंट का बीच में ये भी था कि भी हम लोग मीटर को चेंज करेंगे, नए मीटर लगाएंगे और MCD मीटर देगी, वो मीटर लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक जो एक ह्यूमर सा मान लो उठा था वो भी वहीं का ख़त्म हो गया है। और हम केजरीवाल सरकार से ये कहेंगे कि आप अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए, जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार फैला है उसको ख़त्म कीजिए, लोग पैसे दे के जो है पानी के बिल को जीरो करवा के अपने घरों में आता लिखा हुआ उसके ऊपर कि आपका पानी का बिल नहीं है, ये क्यों और कैसे हो रहा है ये इनको देखना पड़ेगा। शाहदरा साउथ जोन की बात की जाए तो हाउस टैक्स में 10% रिबेट की अंतिम तारीख 30 जून है। कुंवर बलवंत राव का कहना है कि इस साल लोगों ने ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने में काफी दिलचस्पी ली है। पिछले साल के मुताबिक इस साल अभी तक 19 करोड़ रुपए के लगभग हाउस टैक्स जमा किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। लोग हाउस टैक्स जमा करा कर रिबेट का पूरा लाभ ले रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 13 जून 2022 तक टोटल टैक्स पेयर्स जो हमारे थे 32,565 थे, और अमाउंट जो रिसीव हुआ था हमारा 9.96 करोड़ रिसीव हुआ था। लेकिन इस बार टैक्स पेयर में उत्साह है, जो स्कीम है और सारी चीजें उसको देखते हुए जो हमारी पॉलिसी रही है पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट्स की, उसको देखते इस साल लोगों में बहुत सारा उत्साह है, और टैक्स पेयर ने मतलब घर से निकलने में कोई भी कोताही नहीं बरती है, और आज 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 13 जून 2023 तक पूरा 44,241 टैक्स पेयर ने टैक्स पे किए, और जो अमाउंट है वह 19 करोड़ 43 लाख।
जो कि लगभग 10 करोड़ सीधा ही हमारा इस पीरियड में इंक्रीज हुआ है। सारा लगभग 99% हमारा ऑनलाइन है। कैंप में लोगों के फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं कि उनको जो भी हमारी तरफ से सहायता मिल सकती है, अगर किसी को टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ जानना है समझना है, तो हम उसके हेल्प करने के लिए हर जगह हर वार्ड में कैंप लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा रेगुलरली 8-10 कैंप चलते हैं डेली वीकली, हम कह सकते हैं कि वीकेंड में बहुत सारे सैटरडे संडे में, चूंकि बहुत से पार्षद काउंसलर्स की डिमांड होती है, आरडब्ल्यूए की डिमांड होती है कि लोग फ्री हैं उस समय हम करें, तो सैटरडे संडे में हम लोग काफी कैंप कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 30 जून तक के लिए हमारा 10% रिबेट है। पूर्वी दिल्ली के साइबर सेल ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि शिकायतकर्ता नीलम शर्मा ने साइबर सेल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके बैंक खाते से 3 ट्रांजैक्शन की गई हैं, जिसमें 49,000, 32,000 और 400 रुपये, यानी कुल मिलाकर 81,400 रुपये उनके बैंक खाते से फर्जी तरीके से पैसे काट लिए गए हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने ना तो अपना डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, OTP, पासवर्ड या कोई अन्य जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी। थाना साइबर सेल ने IPC धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैंक स्टेटमेंट, उत्त बैंक खातों से प्राप्त लेनदेन विवरण, उनके IP एड्रेस और UPI ट्रांसफर हिस्ट्री की जांच से पता चला कि 2 व्यक्ति विकास कुमार दास और उनके बहनोई शशांक कुमार ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आगे जांच के दौरान देवघर झारखंड की स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी व्यक्तियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि उन्होंने धोखाधड़ी की राशि बीरबल कुमार दास से प्राप्त की थी, जो विकास कुमार दास को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बीरबल कुमार दास ने विकास कुमार और शशांक कुमार के बैंक खातों में धोखाधड़ी की राशि को ब्याज राशि के रूप में उस राशि पर 5% ब्याज देने की शर्त के साथ भेजा है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बैंक खाते में सारी रकम वापस भेज दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और साथ ही बीरबल कुमार दास को पकड़ने की कोशिश जारी है। बीजेपी के रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगाए गए वसूली के आरोप झूठे पाए गए हैं। पुलिस ने महाजन पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पाया कि उनके खिलाफ एक साजिश के तहत केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता बसंत गोयल और उसके साथी गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस को जब असली कहानी पता चली तो शिकायतकर्ता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। DCP ने बताया कि दोनों मामलों की जांच के दौरान यह पाया गया कि बसंत गोयल और उनके सहयोगियों ने दोनों ही मामलों में दर्ज कराने के लिए एक साजिश रची गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों ने घटनाओं में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार की है। इन मामलों में अन्य सहयोगियों और सह साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। विधायक जितेंद्र महाजन के खिलाफ हुई इस साजिश को उनके द्वारा 28 मार्च को दर्ज कराए गए उस केस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने दवा कारोबारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महाजन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने पिता के कैंसर के इलाज के बसंत गोयल की दवा दुकान से 8 जनवरी 2022 को 2,35,000 की इंजेक्शन खरीदी थी। 13 जनवरी 2022 को इंजेक्शन लगाया गया और 26 फरवरी को उनके पिता की मौत हो गई। मौत के बाद विधायक ने इंजेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दवा दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान ये पाया गया कि वो मुकदमा मेरे खिलाफ फर्जी दर्ज करवाया गया था और उसके अंदर बसंत गोयल और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई है। मेरे द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था और दिल्ली नहीं पूरे NCR में जिस प्रकार से नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त की जा रही है और आम लोगों को नकली दवाई दी जा रही है, उस आवाज़ को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसके अंदर दिल्ली में जिस प्रकार से इस मामले में आम आदमी पार्टी का रोल रहा, दिल्ली का ड्रग कंट्रोलर और दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी जिनके कहने पर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया गया, इस सब की जाँच होनी चाहिए। देश भर में आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जा रहा है। जगह जगह ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के AGCR में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में ब्लड डोनेट किया गया। लोगों का कहना है कि ब्लड डोनेट करना काफी अच्छा होता है और जिस तरीके से देश में हालात हैं, ब्लड की कमी भी हो रही है, तो ऐसे में लोगों को काफी संख्या में ब्लड डोनेट करना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था तो पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत मोटिवेटेड फील किया, तो इसलिए मैं अब हर 5-6 मंथ्स में ब्लड डोनेट कर देती हूँ।
फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था बॉडी में, एकदम बॉडी नॉर्मल थी, एकदम ठीक लग रहा था और हर बार ही मुझे ठीक लगा है, कभी मुझे मेडिकल इश्यूज आज तक कभी आए नहीं है, इसलिए मैं और मोटिवेटेड फील करती हूँ। मैं अब 121वीं बार ब्लड डोनेट करूँगा। रक्तदान के बारे में माना गया है कि रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। मुझे खुशी हो रही है कि मैं किसी न किसी की जान बचती है। जो भी रक्तदान करते हैं उससे 3 लोगों की जान बचती है। आज हम इस ब्लड देंगे, उसको प्योरीफाई करके 3 इसके वो कंपोनेंट बनते हैं और उसके 3 लोगों की जान बचती है। तो आप जीवन दाता बन रहे हैं। मैं रक्तदान से उम्र बढ़ती है, मेरी उम्र 64 है इस समय ऑन पेपर। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है 14 जून को, इसी के संदर्भ में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप अपने यहाँ लगाया, अपने प्रेमिसिस में लगाया, जिसका उद्देश्य ये है कि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि अगर एक चिकित्सक, जिसको कि धरती का भगवान की संज्ञा आप देते हैं, अगर वो ब्लड डोनेट करके अपने मरीजों की या समाज में अन्य लोगों को जिन्हें वह जानता भी नहीं है उनकी जान बचाने के लिए आगे आ सकता है, तो जो सामान्य जन हैं वे भी आगे आएँ और इस ब्लड डोनेशन की जो उसको समझें। नहीं देखिए, मैं तो एक मिसाल पैदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की तरफ से इनिशिएटिव हो एक भारत सरकार का, जो इस तरह से दे सकता है तो एक आम जनता ये संदेश जाता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और ये सभी के लिए सुरक्षित है, सभी को डोनेट करना चाहिए। क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अब अपने परिवार में ही ले लीजिए, किसी को जरूरत पड़ती है तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो मौके आते हैं, जहाँ भी मौका मिले आपको अपना डोनेट ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक ये सर्वजन सबकी सुख की बात है और सभी की एक मरीज के हित की बात है। दान ही जीवन दान है और एक हम यूनिट से हम 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। हाल ही में जो हमने एक त्रासदी देखी बालासोर में, और वहाँ जो लोगों का जो एक रवैया था कि बढ़ चढ़ के जो लोगों ने रक्तदान दिया, वो हम जैसे जो चिकित्सक हैं जब हम आगे आए हैं तो एक माहौल एक बनता है कि जब चिकित्सक आगे आ गए हैं तो भारत की आम जनता भी आगे आनी चाहिए। लोगों के लिए कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस टीम ने सेक्सटोरेशन मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह मेसर्स एम खंडेलवाल ट्रेडर्स एंड एसोसिएट्स के नाम से कारोबार कर रहा है। उन्होंने इंडिया मार्ट पोर्टल पर फोटोकॉपियर मशीन के लिए अपनी आवश्यकता रखी और अंशुल अग्रवाल के रूप में अपना परिचय देने वाले एक व्यक्ति ने मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेस के सेल्स मैनेजर के रूप में उनसे संपर्क किया। उसकी कंपनी से फोटोकॉपियर पेपर खरीदने का सौदा किया गया और उसने अपनी कंपनी के चालू खाते से 2,56,498 रुपये और 64,736 रुपये यानी कुल 3,21,234 रुपये की राशि की धोखेबाजी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह जालसाजों का एक ग्रोह है जिसमें कई लोग शामिल हैं जो इस ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। इस ग्रोह के कुछ सदस्यों ने उत्पादों का विज्ञापन दिया, जैसे इंडिया मार्ट वेबसाइट और इंडिया मार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन पर फोटोकॉपियर पेपर, वाटर कैंपर, कपड़े आदि। जब भी कोई ग्राहक इंडिया मार्ट पर इस विज्ञापन को देखता है तो वह धोखेबाजों के दिए गए नंबर पर संपर्क करता है, फिर जालसाज उन्हें अपना उत्पाद खरीदने का झांसा देते हैं। ग्राहक जालसाज के झांसे में आ जाता है और जालसाजों के दिए गए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इन बैंक खातों को इस जालसाज गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इसके बाद जालसाजों ने ATM के जरिए बैंक खातों से रकम निकाल ली और पैसे का इस्तेमाल कर लिया। आरोपी पुनीत चंडोक ने बैंक खातों को मैनेज किया और सिम कार्ड की व्यवस्था की। आरोपी व्यक्ति चंद्रशेखर, विपिन कुमार और विष्णु शर्मा पुनीत चंडोक और अन्य से ठगी की रकम वसूल रहे थे और उन्होंने इस ठगी की रकम को इस समूह के अन्य सदस्यों को बांट दिया जिन्होंने फोन कॉल किए थे। आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से कुल 15 डेबिट कार्ड, 10 मोबाइल फोन और 2 स्वाइप मशीन बरामद की गई है। कि उनके साथ 31 मई को एक इंसिडेंट हुई थी, उनको एक अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल आने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उनसे उनके फोटोज शेयर किए जिसमें कि एक लेडी जो कि ऑब्सीन कपड़े पहने हुए थे और उसने अपनी फ़ोटो स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो कंप्लेनेंट के साथ शेयर करी और उसको फिर थ्रेटन किया कि उसके बाद उनको और कॉल्स आए वहाँ से। 2 अन्य व्यक्तियों के कॉल आए कि आप कैसे, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है और आपकी ये जो वीडियो है इसको वायरल कर दिया जाएगा और अगर आपको इसको, आपकी वीडियो को वायरल होने से बचाना है तो आप इस पे, जिन्होंने अपने आपको पुलिस वाला बताया, ACP विक्रम राठौर बताया और अपने उन्होंने फ़ोटोज़ उस पर अपने ट्रू कॉलर पे और व्हाट्सएप पे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के लगा रहे थे,
लगा रखे थे, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने कॉल करके उनको एक्सट्रॉशन मनी का डिमांड किया कि आप हमें पेमेंट करिए, तब आपका ये वीडियो इस तरीके से वायरल होने से रोक दिया जाएगा। कंप्लेनर ने डर के इसमें लगभग 47,000 रुपये इमीजिएटली ट्रांसफ़र कर दिए थे। वापस से उनको कॉल आए तो उन्होंने फिर कई बार डिसकनेक्ट किए, वापस से उनको कई बार कॉल आते रहे, तो इससे परेशान होकर कंप्लेनर ने अंततः 5 तारीख को कंप्लेंट दे दी। इसमें हमने हमारी टीम जो एसीपी मोहिंदर सिंह जो एसीपी ऑपरेशंस हैं इनके नेतृत्व में, और एसएचओ संजय हैं जो हमारे साइबर के हैं, साथ में सब इंस्पेक्टर श्वेता हैं, इनकी टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनको भरतपुर में एक लोकेशन में पहाड़ी थाना के क्षेत्र में एक गांव में एक लोकेशन हमें लोकेट हुई। इमीजिएटली टीम वहाँ रेड के लिए गई, विद लोकल पुलिस कोऑपरेशन रेड कंडक्ट करी। उन्होंने वहाँ से एक एक्यूज्ड इलामुद्दीन जो कि 50 साल का व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया, और वहाँ से 8 मोबाइल और 6 सिम कार्ड्स रिकवर किए। फिर इसको हमने डिटेल्ड इंट्रोगेशन की तो इसने ये इसके मोबाइल से हमें 140 स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस मिले, जिसमें मेनली ये सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें जो 1 महीने में इसके अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपए मल्टीपल विक्टिम से क्रेडिट हुआ है, भी इसके और अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। इसके साथ और ये गिरोह था उस पर हमारी जाँच अभी जारी है, और उनको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आधे से ज्यादा युवा आजकल ड्रग्स में शामिल पाए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया गया कि ड्रग्स कितना खतरनाक है, साथ ही ड्रग्स से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और समझा कि ड्रग्स को लेना कितना खतरनाक है। साथ ही लोगों ने शपथ भी खाई कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर बेचते हैं हम उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, ना तो ड्रग्स खाने देंगे और ना ही ड्रग्स को बेचने देंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए CCN Live। नमस्कार।